सबसे श्रेष्ठ आत्मलिंग होता है, सबसे श्रेष्ठ आत्मलिंग होता है। आत्मलिंग देखो, प्रथम दिवस में बताए थे भगवान कौन होता है, परमात्मा किसे कहा जाता है, जो सत है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है। और सत चित आनंद स्वरूप केवल हमारी आत्मा है, बाकी दुनिया की कोई भी चीज ना सत हो सके, ना चित हो सके, ना आनंद स्वरूप हो सके। इसीलिए लिंग ही सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग होता है। रावण गया था ना भगवान शिव के पास, उसने किया तांडव, झटा कटा कटा कटा, महादेव जी को कर दिया प्रसन्न। महादेव जी ने कहा, भोलो भाई क्या चाहते हो, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। महाराज, मेरी माता ने कहा है कि आत्मलिंग लेकर आना, महादेव से आत्मलिंग लेकर आना। महादेव जी ने कहा, रावण तू इसके योग्य तो है नहीं, तुम इसके योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों का क्या मतलब भाई, तुम असुर है, असुरों को आत्मलिंग से मिलनी मुक्ति, असुरों को मुक्ति मिलने लग गई तो फिर तो काम ही बन गया। नहीं महाराज, आपने कहा है ना, मुझे जो है अवश्य ही दो। चलो, महादेव ने कहा, देखो मैं बता दूं तुम्हें, अब वरदान देने के लिए कहा है तो फंस गए महादेव जी भी, वापस ना नहीं कर सकते। लेकिन मैं बताऊं, इस शिवलिंग को अगर तुमने कहीं रास्ते में रखा, ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा, बस फिर वहां से नहीं उठेगा। रावण ने कहा, ऐसी क्या बात है, मैं रखूंगा क्यों, मैं सीधा लंका में ले जाके अपनी माता को दूंगा, मैं कोई बूढ़ा थोड़ा हूं, बच्चा थोड़ा हूं, मैं तो रावण हूं, रावण। अच्छा चल भाई रावण। महादेव शंभू की लीला विष्णु भगवान को मालूम पड़ा, महादेव जी ने भोलेनाथ थे, खुश हो जाते हैं जल्दी, दे दिया। इस प्रकार से शिवलिंग दे दिया। लेकिन असुरों के पास मुक्ति चली जाए ये बात अच्छी नहीं है, असुरों के पास मुक्ति चली जाए ये अच्छी बात नहीं है। तो विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का रूप बना के चले गए। उधर महादेव जी ने लीला रची, रावण को मूत्र वेग आ गया, पेशाब बहुत जोर आ गया पेशाब का। रावण ने कहा, अरे ब्राह्मण मेरी बात सुनो, ए थोड़ी देर शिवलिंग पकड़ना, मैं पेशाब कर लूं तो बाद में तुमसे ले लेता हूं। अब वो वास्तविक में विष्णु भगवान थे, उन्हें पता था महादेव जी अपना आत्मलिंग इसको देना नहीं चाहते, पर वरदान के कारण दे दिया। तो ब्राह्मण देवता पकड़े, अब रावण मूतने लगा,
मुते मुते इसको बहुत देर लग गई। पिछले इधर विष्णु भगवान ने ब्राह्मण के रूप में शिवलिंग को धरती पर रख दिया। पहले ही महादेव जी ने कहा था जहां रखोगे वहां से फिर ये उठेगा नहीं। रावण ने मूत्र विसर्ग करने के बाद ब्राह्मण को कहा, अरे ब्राह्मण तुमने इसे नीचे रख दिया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज इतना भारी था मैं ही जमीन में धंसने लग गया तो महाराज मैंने तो क्या करता, मरता क्या ना करता, मैं भूमि में धंस रहा था इसीलिए इसे रख दिया। रावण ने कहा, चलो कोई बात नहीं, शिवलिंग को उठाना शुरू किया। रावण ने जोर लगा लिया, शिवलिंग हिला नहीं। महादेव आत्मेश्वर वहीं पर स्थापित हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अब क्या है, रावण बड़ा पश्चाताप करने लगा। फिर महादेव जी के पास गया, महाराज एक गलती से ये काम हो गया। अरे भाई क्यों, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि जहां पर रखोगे वहां से फिर ये निकलेगा नहीं। अब रावण मैं क्या कर सकता हूं, खाली हाथ वापस गया। सबसे श्रेष्ठ आत्मलिंग है आत्मेश्वर, अपनी आत्मा को साक्षात शिव का स्वरूप समझते हुए, अपनी आत्मा को शिव का स्वरूप बिल्कुल, मेरी आत्मा ही शिव स्वरूप है, मेरी आत्मा ही शिव स्वरूप है, मेरी आत्मा ही शिव स्वरूप है। आत्मा से अलग परमात्मा को भजने वाले 100 जन्म में परमात्मा को नहीं पा सकते। 100 जन्म में भी परमात्मा को नहीं पा सकते होते। इसीलिए अब 100 जन्मों के बाद सीखोगे पहले ही समझ लो, 100 जन्म में भी परमात्मा को नहीं पा सकता है जो आत्मा और परमात्मा में फर्क रखता है। जो आत्मा परमात्मा में फर्क रखता है वो कभी परमात्मा को 100 जन्म भी नहीं पा सकता है। इसलिए बिल्कुल अपनी आत्मा के स्वरूप में परमात्मा, आत्मा के स्वरूप में परमात्मा को। शिव कौन है, ये मंदिर में मूर्ति शिवलिंग हम पूजा के लिए आश्रय बनाते हैं, परंतु वास्तविक में शिव हमारी आत्मा ही शिव है। आत्मेश्वर महादेव सबसे श्रेष्ठ लिंग है। पूजा करने के लिए नहीं हो सकता है तो भाई फिर दूसरे शिवलिंग की बनाओ, पार्थिव है, नर्मदेश्वर है, रजत है, मिट्टी का है, माखन का है, बहुत से शिवलिंगों का विधान है। कहते हैं बना करके विधि पूर्वक 1600 उपचार से स्थापित करके शिवलिंग की पूजा करें।